बहुत पहले की बात है, एक मुद्गल नाम के ऋषि अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहा करते थे। ऋषि मुद्गल बड़े ही धर्मात्मा पुरुष थे, इसलिए वह भिक्षा मांगकर जो कुछ भी इकट्ठा करते थे उससे अपने धाम हर 15 दिन में यज्ञ किया करते थे और अतिथियों को भोजन कराया करते थे। इसके सिवाय उनके पास और कोई संपत्ति नहीं थी। एक दिन की बात है कि एक स्वर्गदूत एक विमान से ऋषि मुद्गल के पास आया। स्वर्गदूत ऋषि मुद्गल से बोला कि यह विमान आपको आपके शुभ कर्मों से प्राप्त हुआ है, आप इस विमान पर बैठिए और स्वर्ग लोक को प्रस्थान कीजिए। तब ऋषि मुद्गल ने उस स्वर्गदूत से कहा कि मैं स्वर्ग जाने से पहले स्वर्ग के सुख और उसके दोषों के बारे में जानना चाहता हूँ। उस स्वर्ग दूत ने यह कहा कि स्वर्ग लोग आप जैसे धर्मात्मा जितेंद्रिय और दान धर्म आदि का पालन करने वाले पुरुषों को ही प्राप्त होता है। उसके सिवाय वह शूरवीर पुरुष जो अपनी वीरता को युद्ध में प्रमाणित कर देते हैं वे भी स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। स्वर्ग में जाने वाला प्राणी भूख प्यास गर्मी जाड़ा शोक और भय जैसी चीजों से मुक्त हो जाता है। स्वर्ग में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती है जिससे देखकर मन में घृणा पैदा हो। स्वर्ग में ना कोई रोता है, ना कोई बूढ़ा होता है, ना किसी के शरीर में थकावट होती है और ना ही किसी के शरीर से पसीना निकलता है। वहाँ सबके पास अपने विमान होते हैं और सभी सुख से अपना स्वर्गीय जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार स्वर्ग दूत ने जब स्वर्ग लोक के सुखों का वर्णन किया तब ऋषि मुद्गल ने कहा कि अभी मुझे स्वर्ग लोक के दोषों के बारे में भी बता दो। तब स्वर्ग दूत ने कहा कि स्वर्ग में मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोगता है, मनुष्य वहाँ कोई नया कर्म नहीं कर सकता है। स्वर्ग लोक का भोग मनुष्य अपने कर्मों की मूल पूंजी को गंवाकर ही भोगता है और जिस दिन उसकी यह कर्मों की पूंजी समाप्त होती है उस दिन उस मनुष्य का स्वर्ग लोक से पतन हो जाता है। इस प्रकार स्वर्ग में गए सभी मनुष्यों का एक ना एक दिन पतन अवश्य होता है। स्वर्ग दूत ऋषि मुद्गल से कहता है कि मेरी समझ में यही स्वर्ग लोक का सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि जब मनुष्य स्वर्ग के सुखों का भोग करने के बाद जब वहां से निम्न स्थान पर गिरता है तब उसे बड़ा असंतोष और दुख होता है। उस असंतोष और दुख का वर्णन करना मेरे लिए कठिन है। स्वर्ग लोक के इस दोष को सुनकर ऋषि मुद्गल घबरा जाते हैं और वह स्वर्ग दूत से पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा लोक नहीं है जहां इस प्रकार पतन का भय ना हो। तो स्वर्गदूत कहता है कि मनुष्य जीवात्मा के पतन का भय सिर्फ विष्णु लोक में नहीं होता है, परंतु विष्णु लोक में वही पुरुष जा सकते हैं जिन्हें उनके सत्कर्मों से मोक्ष प्राप्त हो जाए। स्वर्गदूत की यह बात सुनकर मुद्गल ऋषि स्वर्ग जाने से मना कर देते हैं और विष्णु लोक को प्राप्त करने के लिए पुनः अपने सत्कर्मों में लग जाते हैं।